नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं रेबिका। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर केपी न्यूज 24/7 शहीद जवानों को नमन करते हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। हमारे वीर भले ही दुनिया छोड़कर चले गए हो, लेकिन देश के दिल में वे हमेशा अमर रहेंगे। जब गुलाब देकर लोग अपनी मोहब्बत को मना रहे थे, तब चुपके से जवान जान देकर वो देश का कर्ज अदा कर गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील। आज से विदेश से आने वाले यात्रियों को मिलेगी ये बड़ी राहत। छात्रा का धर्मांतरण केस, सीबीआई जांच को इज्जत का सवाल न बनाए तमिलनाडु सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। पंजाब में केजरीवाल ने अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर किया चुनावी वादा, बोले केंद्र के साथ मिलकर करेंगे काम। दिल्ली के तिलक नगर में 87 साल की बुजुर्ग महिला ने लगाया रेप का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। खत्म नहीं हुई है नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी, प्रियंका गांधी की रैली में नहीं दिया भाषण। अंबानी समेत दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में से 9 को $132 अरब का झटका। एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान। मुरादाबाद के कुंदर की से बसपा उम्मीदवार का वायरल ऑडियो, हाजी रिजवान ने बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। अमेरिका बोला 16 फरवरी को हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मांगा सबूत, कहा मुझे लोगों को बताना है। सोने चांदी की रेट में भारी उछाल, 50,000 रुपए के पार पहुंचा गोल्ड, आज 1,712 रुपए महंगी हुई चांदी। चीन पर फिर हुई डिजिटल स्ट्राइक, ऐप लॉक और गिरानी फ्री फायर समेत 54 चाइनीज ऐप्स भारत में बैन, इनमें आपके कई पसंदीदा ऐप्स भी शामिल। मनोहर पर्रिकर की बहन बोली, हमारे भाई ने बलिदान दिया, बीजेपी ने उसकी कदर नहीं की, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सपा का बड़ा आरोप, सहारनपुर में साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में निकल रही कमल की पर्ची। चेन्नई में आदरणीय बंगारू आदि गलर जी के साथ बातचीत करना सम्मान की बात थी, समाज की सेवा के लिए उनका प्रयास प्रेरणादायक है। विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है। अमरोहा के गजरौला के गांव तिगारी में पीठासीन अधिकारी की लापरवाही के कारण करीब 20 मिनट तक मतदान प्रभावित रहा, चाय लेकर लौटे। सुरेश रैना को आईपीएल नीलामी में नहीं मिला खरीदार, धोनी को कोसने लगे फैंस। बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर अपहरण के केस में आया नया मोड़, लड़की ने थाने पहुंचकर बताई प्रेम विवाद की बात। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा भोजपुर कोई इस्लामाबाद बनाना चाहती थी सपा सरकार। जनपद मार्केट में महिलाओं के लिए खुला पिंक बूथ, दिल्ली पुलिस को मिल रही तारीफ। शिमला में मर्डर, देवर ने अपनी सगी भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर की निर्मम हत्या, किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बीच महामुकाबला, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। पंजाब की गिल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला, हुए घायल। यूपी, गोवा, उत्तराखंड में आज मतदान, सीएम धामी हरीश रावत, आजम खान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। यूपी के दूसरे चरण में 55 विधानसभा सीटों पर मतदान आज, उत्तराखंड और गोवा में भी होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में नक्सलियों के निशाने पर उद्धव सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे को मिली धमकी। वैलेंटाइंस डे पर मल्लिका शेरावत ने पारी हदे, इतना बोल्ड ड्रेस पहन फैंस को किया विश। पुष्पा पर रील बनाकर अक्षरा सिंह ने कही ऐसी बात, सुनकर सलमान खान के कोरियोग्राफर बोले हल्के में नहीं। भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दासानी की ये ग्लैमरस फोटो। रणवीर सिंह ने ढोलीडा गाने पर आलिया भट्ट के साथ मटकाई कमर, वीडियो देखते ही खुश हो जाएंगे दिल। सारा अली खान की खूबसूरती के दीवाने हुए फैंस, ब्लैक कलर की ड्रेस में इंटरनेट पर छाई फोटो। नेहा कक्कड़ को वैलेंटाइन डे पर पति से मिला खास सरप्राइज, लिप लॉक करते हुए जाहिर की खुशी। वेस्ट बंगाल नगर निगम में टीएमसी ने चारों नगर निगमों में हासिल की प्रचंड जीत। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।